मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत ग्रंथि। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबोलिन। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? मीथेन गैस। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी की वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को और मस्तिष्क को। बर्फ पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? साइक्रोफाइट। मनुष्य में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु कारण। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन। प्रोटोन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। गाय का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? कल्पना चावला। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हुगरोडी ब्रिज के द्वारा। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है दोस्तों Na2CO3.10H2O। ठीक है, ब्रेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। और कौन सा तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। शाह नामक इसके कृति है फिरदौसी की। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फॉल। दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। सिरके का पीएच मान होता है 2.5 से 3.4। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8। दूध का पीएच मान भी कई बार पूछता है 6.4 से 6.6 होता है। ठीक है, और समुद्र का जल जो खारा होता है दोस्तों उसका जो पीएच मान होता है वो 8.4 होता है। ठीक है, 7 से ऊपर वाला जितना भी पीएच मान है दोस्तों वो क्षार में होता है, और 7 से कम वाला जो है वो अम्ल होता है। लार दोस्तों मनुष्य का जो लार होती है उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। रक्त का पीएच मान भी कई बार एग्जाम में पूछता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेंटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों विटामिन 7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिकम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, इनको दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बेरामीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय गति की जांच करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। द्रव्य का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, और पौधों की जड़ों के दाब की माप मैनोमीटर से लेते हैं, और वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भूकंप के तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है, और हवा की शक्ति तथा गति की माप एनीमोमीटर से ली जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, और दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापने के लिए या फिर ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों खट्टे फलों में जैसे कि नींबू संतरा। और बेंजोइक अम्ल होता है दोस्तों घास में, घास के पत्तों में, मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों फिटकरी में पाया जाता है, शोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश। टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों वो इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, और यूरिक अम्ल पाया जाता है मूत्र में। दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। इसी तरीके से विटामिन B12, B3, B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और B12 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है रक्त शून्यता। ठीक है,
और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, स्कर्वी रोग मसूड़े का फूलना, ठीक है, मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं और खट्टे फलों में पाया जाता है ज़्यादातर। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, इनको आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम का जो लेटिन नाम होता है दोस्तों, वो होता है नेट्रियम, ठीक है, नेट्रियम होता है। और इसको सोडियम को Na लिखा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यानी इसका नाम होता है नेट्रियम होता है। आयरन लोहे का लेटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है, इसको Fe लिखा जाता है। कॉपर में Cu लिखा जाता है। और चांदी में दोस्तों आप देखते होंगे कई बार Ag लिखा हुआ था, ठीक है, Ag का मतलब होता है चांदी यानी अर्जेंटम, उसको बोलते हैं सिल्वर को। ये सब जो है वैज्ञानिक भाषा है, इनको आप लोग याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। सिरके का जो एसिटिक अम्ल है उसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 से 3.4 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, समुद्र के जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। समुद्र का जल दोस्तों खारा होता है, ठीक है, तो जो भी पीएच मान 7 से ऊपर जाता है वो क्षारीय होता है, खारा होता है, तो इनको आप लोग याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में काम आते हैं। और जो मनुष्य की लार होती है दोस्तों उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5। मूत्र रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं, वर्णधत्ता यानी कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस कैसे लेती है दोस्तों, गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, गाजर है। जठर रस किस में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, HCl में, ठीक है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो लोहा है ना। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्रोटीजोन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो मूली गाजर और शकरकंद जड़ों से प्राप्त होते हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एडिनिल हार्मोन को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का जो सामान्यतः ताप होता है दोस्तों फारेनहाइट पर होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है 37 डिग्री और 310 होता है केल्विन पर, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर और क्रोमोसोम की संख्या होती है दोस्तों 46 होती है, ठीक है, 23 जोड़ होते हैं। दोस्तों पित्त जो होता है वो जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, इसको जल भित्ती रोग भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों जो मरीज होता है वो पानी से डलता है, इसलिए इसको जल भित्ती और हाइड्रोफोबिया रोग बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है, विषाणु द्वारा फैलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विषाणु जो वायरस है दोस्तों उसकी खोज किसने की थी, इवान विस्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग क्या है, विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है ये रोग। कवकों का जो अध्ययन होता है दोस्तों क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। दोस्तों रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्पाइग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली शिरा कहलाती है और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है पेसमेकर। जरावीक सेवन क्या है दोस्तों, तो कृत्रिम हृदय है, ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है। और यहाँ पे और क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले रंग का और पित्त का दोस्तों पीएच मान भी कई बार पूछता है, तो 7.7 होता है। पित्त कहाँ से निकलता है, स्त्रावित होता है यकृत से। दोस्तों ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है जल, 60 से 75% पाया जाता है। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है या एक नर जनन कोशिका है, ठीक है। एडिनलिन जो हार्मोन है दोस्तों उसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर यानी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में होती है। सबसे दोस्तों बेरामीटर का जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब की को मापने में किया जाता है। स्टेटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय की गति की जाँच करने में। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव्य का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों पौधों की जड़ों में की दाब की माप लेने में, ठीक है। रेन गेज का वर्षा के लिए और रिक्टर स्केल का भूकंप के लिए। फेदामीटर का समुद्र की गहराई मापने के लिए। एनीमोमीटर का हवा व शक्ति तथा गति की माप के लिए। हाइग्रोमीटर का दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है नमी होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है, 80% होती है। मनुष्य का सामान्य रक्त तापक्रम लगभग कितना होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, 98.6 फारेनहाइट। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः किस में पचता है, छोटी आंत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो पालक में दोस्तों लोहा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे बी ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ज्ञान की जो शाखाएं होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों से पूछेगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, और चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से दोस्तों आपको सही आंसर लगाना है। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान को बोलते हैं इकोसिस्टम, कीट पतंगों का अध्ययन करना बोलते हैं एंटोमोलॉजी, पक्षी विज्ञान को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, रेशम उत्पादन करने को सेरिकल्चर, मधुमक्खी को एपिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को पुष्प या फलों का जो पौधों का उत्पादन होता है अध्ययन होता है, इनको बोलते हैं माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन के मानव का विकास कैसे हुआ उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आप इनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, लोहे पर लगने वाले जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आयरन ऑक्साइड उसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो दोस्तों यकृत ग्रंथि, जो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, वायु दाब मापने वाला यंत्र उसको बेरामीटर कहते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, हर बार पूछा जाता है, श्री गुप्त ने की। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लेना, आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे, ठीक है। इनको आप लोग अभी याद कर लो, और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोज़ मिल सकें। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, मैं इसके बाद जो है आपको कंप्लीट वीडियो जीके की जो है प्रोवाइड करा दूँगा।